हूँ दोरल और आप देख रहे थे तत्काल न्यूज लाइव। देखे आपने, हम थे कामटी रोड पे जहाँ पे लोगों ने अपना आंदोलन, अपना मोर्चा, नागपुर के शहर वासियों वालों ने भी दिया है अपना समर्थन। जो 13 दिनों से किसान दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर जमा हुए हैं अपने हक के लिए, उसके बारे में आपका क्या कहना है? पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, 13 दिन दिल्ली में और 60 दिन पंजाब में, तो ये टोटल मिला के कुछ 70-72 दिन होते हैं जो किसान अपने आंदोलन पे बैठे हैं। किसान दिल्ली में कोई खुशी के लिए नहीं बैठा है, वो अपने हक के लिए बैठा है। आज अपने सबको पता है कि मोदी जी ने ऐसा काला कानून ला के थोप दिए हैं जिसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। मोदी जी ने क्या काम किए हैं, मेरा पेट भरा हुआ है, मैं खुश हूँ अपने खाने से। मोदी जी ने एक बड़े प्लेट में खाना सजाया, ज़बरदस्ती मेरे मुँह में डाल दिए, नहीं खा खा खा। ये असल में एक तानाशाही है, मोदी जी की तानाशाही है। मोदी जी रात को सोए, सुबह उठे कानून आ गया। ये कानून नहीं, जितने कानून मोदी जी ने लाए हैं, वो चाहे जम्मू कश्मीर में लाए हो 370 धारा भाई, ये किसानों का मुद्दा लाए हो, नोटबंदी लाए हो, किसी को कुछ नहीं पता, किसी जनता को कुछ नहीं पता। मोदी जी आते हैं, अमित शाह जी आते हैं, सब जन आते हैं, अपना एक चीज पेश कर देते हैं। इसलिए किसान जो बैठे हैं, हम सब आज नागपुर में उनके साथ में हैं, दिल्ली भी जाएंगे, जितना हो सके उनका साथ देंगे। ये भारत बंद कब तक, मतलब कहाँ तक चलेगा ये? देखो, ये सरकार का सवाल है कि भारत बंद कब तक रखना है। हम तो, सरकार हमारी शर्तें आज मान जाए, आज शाम को हम घर चले जाएंगे। सब किसान अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आए हुए हैं, बेटियों की शादी रखी हुई है, वो वहाँ पे हैं। तो हम नहीं चाहते कि हम किसी को तंग करें, जहाँ वो करें। ये तो मोदी जी को कब सोचना है कि हमको कब घर भेजना है, ये सवाल हमारा नहीं है कि हमने घर कब जाना है। ये मोदी जी को बताना है कि हमको घर कब भेजना है। और रही बात हमारे जाने की, हम लोगों ने 26 जनवरी तक तो सोचे हुए हैं, लेकिन 15 अगस्त भी हमारे लिए दूर नहीं है। मेरे को ये लगता है, आप की बोले पूरा हमारी जनता जो है वो पूरा डिटेल में जानना चाहती है, वो ऐसे कौन से 3 बिल है? देखिए, ये 3 आर्डिनेंस जो है, ये किसान के नहीं, आम जनता के लिए ये डेथ वारंट है। ये डेथ वारंट इन द सेंस, मतलब ऐसा कहने का है कि ये काला कानून जो है, ये हमारी खेती के लिए नहीं, हमारे जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं इंसान के, जो वो हमारे से छीनने की कोशिश हो रही है। जो हम कभी भी आम नागरिक, किसान नहीं, एक आम नागरिक भी उसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि इसके साथ में, किसान के साथ में मजदूर भी जुड़ा हुआ है, व्यापारी भी जुड़ा हुआ है, आढ़ती भी जुड़ा हुआ है, और हर इंसान वो जुड़ा हुआ है जिसको भूख लगती है। आपको भी भूख लगती होंगी, आप जिस इंसान को भूख लगती है, वो किसान के आंदोलन के साथ उसने जुड़ना चाहिए, क्योंकि भूखे पेट कुछ भी नहीं होता, भक्ति भी भूखे पेट नहीं होती। और अपना काम ही ये है कि अपने को भूखे पेट नहीं रहना, किसी को रहना नहीं। किसान हमारे को 70% अनाज पैदा करके दे रहा है, तो हम क्यों उनकी मांग के साथ शामिल क्यों नहीं होते? अकेले किसानों का ये संगठन में ये नहीं है, आज पूरी दुनिया को इसका साथ देना चाहिए। कारण उसका ये है कि वो अन्नदाता है, वो अन्न पैदा करता है, तो हम खाते हैं। एक बच्चा जब तक रोता नहीं, माँ उसको दूध नहीं देती, खाना नहीं देती, तो ये हमारे पे बगैर मांगे हमारे पे कानून थोप रहा है, क्या कारण है? दो लोग हैं, वो दो लोग देश बेच रहे हैं और दो लोग खरीद रहे हैं, बाकी सोए हुए हैं। आज जागने का टाइम है और इनको भगाने का टाइम है। वो बोलता, मैं थैला लेके आया था, थैला लेके वापस चले जाऊंगा, और तेरे हाथ में तो हमने थैला भी रहने नहीं देना। हमारा छोटी सी बात है, MSP, देखिए MSP का मुद्दा ही नहीं। आप MSP दें या ना दें, उसमें सिर्फ एक चीज़ लिख दें कि भले ही कॉरपोरेट घराना ले, भले ही उनका दोस्त अडानी ले ले, भले ही उनका दोस्त अंबानी ले ले, लेकिन MSP का जो मूल्य है उसके नीचे ना मिले। अगर कोई MSP के मूल्य के नीचे कोई लेता है किसान से, तो उसको सजा होनी चाहिए। छोटी सी एक मांग है किसानों की, एक मिनट में सोल्यूशन। इतने बड़े बड़े वहाँ पे मंत्री बैठे हैं, संतरी बैठे हैं, सबके सब कानून का दायरा बैठा हुआ है, कोर्ट बैठा हुआ है। आप 2 मिनट में सॉल्व कीजिए, किसानों को घर भेजिए, ताकि देश में और उन्नति में वो अपना हिस्सा दे सकें। थैंक यू, धन्यवाद। आपको पता है 13 दिन पहले सरकार ने संसद में ज़बरदस्ती मार्शल्स को बुला करके एक बिल पारित करवाया था, और ये बिल ये था कि जो NSP है किसानों का, किसान अपनी ओर से NSP निर्धारित नहीं करेगा। इसका मतलब ये होता है कि किसान जो है वो किसी भी प्रकार से अपना जो खुदरा मूल्य है वो निर्धारित नहीं कर सकता है। तो इससे क्या होगा कि आपको पता है कि सरकार जो है वो अदानी और अंबानी की जेब में है, तो इस कारण अगर किसान गुलाम हो जाएगा
तो ये जो देश है ऑटोमेटिकली गुलामी की तरफ चला जाएगा, क्योंकि किसान जो है इस देश का अन्नदाता है। और अगर अन्न ही पैदा नहीं होगा या किसान गुलाम हो जाएगा, तो आपको पता है हमारा देश जैसे पहले अंग्रेजों की गुलामी कर रहा था, अभी ये जिंदा भारत में, स्वतंत्र भारत में हमें एक मुट्ठी भर लोगों की गुलामी करनी पड़ेगी। इसीलिए 13 दिन से जो किसान है, पंजाब का है, हरियाणा का है, वो वहाँ पर के सड़क के ऊपर में सो रहा है, सड़क के ऊपर में खा रहा है, अपनी पूरी जमीन जायदाद जो है, मतलब बैलगाड़ियाँ है या उनकी जो भी है चीज़ें, वो लेकर के वे लोग वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। और हम जो है, हमारा देश यह कृषि प्रधान है, हमारा जो देश है यह किसान प्रधान है, तो इसीलिए हम खुद चाह रहे हैं कि यह जो बिल है, यह बिल सरकार वापस ले। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, आपने देखा होगा हमारा जो भी मार्च हुआ है, हमने बड़े शांतिपूर्ण तरीके से मार्च किया है, हमने बड़े पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट किया है। तो ऐसा प्रोटेस्ट अगर यह सरकार बिल वापस नहीं लेती है तो आगे भी चलता रहेगा, और हम हमारी आखिरी सांस तक के इस बिल का विरोध करेंगे। देखिए, कोई बड़े रॉकेट साइंस की बात नहीं करूँगा मैं, और इन लोगों को वैसे ये इन्हें दिमागी का है, मैं तो नहीं मानता हूँ कि इन्हें दिमाग है। एक सिंपल बात करूँगा मैं, अगर आप कह रहे हो कि ये हमने जो बिल बनाया है ये अगर किसानों के फायदे का है, तो ये एक्ट जो बन चुका है, ये एक्ट जो है, अगर किसान ये कह रहे हैं कि ये हमारे फायदे का नहीं है, हम ये नहीं चाहते, तो आपको सिंपल है ना, आप क्यों उनका जबरदस्ती फायदा करवा रहे हो? जिसके लिए किसान 13 दिनों से सड़कों पर आकर बैठे हुए हैं, वो चाहते कि हमें ये ऐसा फायदा नहीं चाहिए, तो आप क्यों जबरदस्ती फायदा करवाने पर तुले हो? अभी मेरे भाई ने MSP के बारे में कहा, MSP का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और इसे कॉरपोरेट ने क्या बना के रखा है पता है आपको? मैक्सिमम सेलिंग प्राइस बना दिया है कॉरपोरेट्स ने। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मीन्स ऐसा है कि तीन जगह किसान जब काश्तकारी करता है तो उसे तीन मार्केट्स होते हैं। एक तो लोकल मंडी, अगर कम क्वांटिटी में प्रोडक्शन है तो वो लोकल मंडी में बेच देता है क्योंकि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कम हो जाए। उसके बाद में वो आढ़तिया के पास जाता है, जैसे कलमना मार्केट, ऐसे मार्केट्स में जाता है। और अगर यहाँ दोनों जगह उसको अगर उसका रेट नहीं मिला, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिला, तो वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट को देता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे गवर्नमेंट को बेच देता है अपना माल। तो गवर्नमेंट उसका क्या करती है पता है आपको? गवर्नमेंट तो हमारे देश में कुपोषण, आपको पता है झारखंड में वो बच्ची संतोषी का जो डेथ हुआ था भूख की वजह से, वो भी आपको पता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे घर का किसान, हमारे देश का किसान मेहनत करके फसल नहीं उगाता, फसल उगाता है, लेकिन हमारे गवर्नमेंट का इंटेंशन ये है कि वो गवर्नमेंट ये करती है कि मूर्ति पे 3,000 करोड़ खर्च करती है, कुंभ मेले पे 4,000-5,000 करोड़ खर्च करती है, लेकिन उसके दिमाग में ये कभी नहीं आया कि हरित क्रांति लाने वाले प्रदेश पंजाब के एक सपूत भगत सिंह जी के नाम पर हमें एक ऐसे बड़े बड़े वेयर हाउस बनाने चाहिए पूरे इंडिया में, कि किसान जो साल भर 6 महीना जो अपनी खून पसीने की मेहनत से जो उगाता है, फसल उगाता है, तो वो फसल को हम स्टोर करके रख सकें। आप आए दिन देखते होंगे कि कई सारी फसल वेयर हाउसेस में सड़ चुकी है, गल चुकी है। दरअसल इसके पीछे भी एक पूरी सिंडिकेट काम करता है इसके पीछे भी, कि फसल सड़ेंगी, वीट सड़ेगा, तो फिर वो बियर मालिक वगैरह जो बियर फैक्ट्रीज वगैरह उनमें बेच देते हैं वो सड़े हुए कीमत में, और फिर वो टेबल के ऊपर में तो सड़ी हुई कीमत लेते हैं, टेबल के नीचे से असली कीमत वसूल करते हैं। इस तरह से बहुत सारी परेशानी है मैम, बहुत सारी परेशानी है। और अभी देखिए, अगर किसान खड़ा हुआ है तो मैं नहीं मानता कि हर यानी सिर्फ ये किसानों का आंदोलन है, ये तो हर उस बंदे का आंदोलन है जो अनाज खाता है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर ये जिस तरह से आपने देखा रेलवे का निजीकरण हुआ, हाँ, तो आप देख रहे हैं कि अभी 5 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट आपने 20 रुपये में ख़रीदा। आप एक बात देखते होंगे कि अभी अगर जो 15 रुपये, अगर 14 रुपये 15 रुपये वीट का MSP है, तो वही वीट हमें 28 रुपये किलो बिकता है, मिलता है मार्केट में। तो जब वो 14 रुपये से 15 रुपये बेच रहा है, तो आप यह 28 कैसे बेच सकते हैं? उसने 4 महीना 6 महीना मेहनत किया, तो उसे जाकर के तब 14-15 रुपये मिल रहा है। आपने सिर्फ एक प्रोसेसिंग किया और आपने 14 रुपये बढ़ा दिए। हाँ, इसी तरह अब क्या होगा आगे देखिए, MSP हट गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हट गया, उसके बाद में ये होगा कि पूरा अनकंट्रोल्ड हो जाएगा मामला, और अनकंट्रोल्ड होने के बाद में मामला ये बनेगा कि जैसे अगर आज हम जो चीज़ 30 रुपये किलो खरीद रहे हैं, कॉरपोरेट तो आपको जो कीमत में बेचेंगे आपको खरीदना है ना, आप क्या बोल सकते हैं? कॉरपोरेट आपकी चुनी हुई सरकार नहीं है,
आप अपनी जो गवर्नमेंट जिसे आपने चुन के भेजा है आप उनसे कन्विंस कर सकते हैं कि हमने आपको वोट देकर आपको चुन कर भेजा है, लेकिन कॉरपोरेट से आप कैसे कन्विंस करेंगे? अगर आपको 50 रुपए किलो कॉरपोरेट अगर बेचेंगे तो आपको खरीदना होगा। अभी तो किसान तो MSP की बात कर रहा है, ये तो पहली फेज में किसान रोड पर उतरा है, अगले फेज में तुम्हें हमें हम सबको हर अनाज खाने वाले बंदे को रोड पर उतरना पड़ेगा कि कॉरपोरेट अपनी मनमानी पर उतर चुका है। ये 2-3 साल ठीक है जियो की तरह होगा, जियो ने जिस तरह पहले फ्री में दिया सारी कंपनियों को डुबो दिया और फिर अब बाद में क्या कर रहे हैं जियो आप देख रहे हैं, 599 रुपये 3 महीनों का सब्सक्रिप्शन, वो देखिए फ्री में जियो कनेक्शन बांटने के बाद में, फ्री में डाटा देने के बाद में वो बंदा दुनिया का 5वां सबसे अमीर बन गया। वो एक बात है ना, मैंने जो भी स्टेट पे से भी कही ये बात कि जो चीज़ मुफ्त में मिलती है ना उसकी उतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो ये चीज़ की जो अभी हम देख रहे हैं ना, अभी तो हम रोड पर, अभी हम रोड पर उस तरह नहीं आए, अभी आम जनता रोड पर नहीं आई, पहली फेज में ये किसान उतरा है। आज मैं देशवासियों से अपील करूंगा, ये किसान उतरा है ना ये तुम्हारे भले के लिए उतरा है, और आज सभी किसानों के साथ में खड़े रहना हर एक देशवासी की जिम्मेदारी है। और या तो देश क्या अभी विदेशों से भी कनाडा के जो प्रेसिडेंट है जस्टिन टुम्ब्रो ट्रूडो, उन्होंने भी सपोर्ट किया है, और बाकी ब्रिटिश सांसद और पूरी दुनिया देख रही है। अगर गवर्नमेंट मानती है कि हम इतनी निकम्मे हैं, हम इतने निठल्ले हैं कि हम किसानों को या देश चलाने की हमें ताकत नहीं है, तो कुर्सी खाली करो ना यार, कुर्सी खाली करो। आप जैसे काबिल लोग जिंदा है, आप हटोगे तो अच्छे लोग आकर के बैठेंगे। आप हर चीज़ गवर्नमेंट को हर चीज़ नहीं चलानी जम रही है, अगर वो हटेंगी तो पढ़े लिखे समझदार लोग जो देश चलाने की सलाहियत रखते हैं, ताकत रखते हैं, समझ रखते हैं, वो लोग आकर चलाएंगे ना। रघुराम राजन जी के साथ क्या हुआ, उसके बाद अर्जित पटेल जी के साथ क्या हुआ? आप हर चीज़ में आप अपनी अनपढ़पना, आप अपना जाहिलपना वहाँ दिखा रहे हो, आपसे समझदार लोग दूर होते जा रहे हैं। अभी नागपुर में आपने देखा, नागपुर में जो पदवीधर मतदार संघ के जो इलेक्शन हुए उसके अंदर मीन्स सीधा क्लियर कट बात है कि पढ़े लिखे लोग इन्हें पसंद नहीं कर रहे, पढ़े लिखे लोग इनकी नीतियों को पसंद नहीं कर रहे। और गवर्नमेंट, अगर आप BJP देखिए, अगर आप नहीं चलाना चाहते हो या नहीं चलाना जानते हो आप हटो, देश में युवा है, भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, तो हमें चलाना आता है। हम अपने देश को फिर से जो भगत सिंह का, आज़ाद का, अम्बेडकर का जो सपनों का भारत था हम फिर से बनाना जानते हैं। थैंक यू, हमारे किसानों के बारे में आपका क्या कहना है? किसानों के बारे में क्या कहना है, किसान तो मतलब सिर्फ एक ही चीज़ है जिसके लिए सिर्फ तारीफ करनी चाहिए, उनके साथ मसला क्या है आज अपन अभी से नहीं देख रहे, जब से मतलब है धरती पे इंसान है तब से किसान है, अगर वो नहीं उगाते तो किसी तरह का हल नहीं था, उनके वजह से ही आज हमारी वजन जो बचपन से लेके अभी तक हम पनपे, हमारे माँ बाप जिससे पनपे वो किसान का अनाज ही था, उसका तो कोई छुटकारा नहीं था। अब अगर आप यहाँ देखेंगे कि जो यहाँ पे अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, दो हिस्से बांटेंगे ना, तो अभी दो से ज़्यादा हिस्से नहीं बांट सकते, दो ही रहने वाला है, एक जो अनाज खाता है और दूसरा जो पार्टी है वो भी अनाज खाता है, तो हमारी और उनमें सिमिलैरिटीज़ क्या हैं कि हम भी अनाज खाते हैं और वो भी अनाज खाते हैं, लेकिन हमारे और उनमें डिफरेंस क्या है, सिर्फ एक है कि हम खा के नमक हलाली कर रहे हैं, वो खा के नमक हरामी कर रहे हैं, इससे ज़्यादा अलग नहीं है। मैटर ऑफ फैक्ट सिर्फ इतना ही है कि आप क्या चाहते हो, अगर खा रहे हो तो उसका शुक्रिया अदा नहीं कर रहे, अरे आप क्या कोई और तरीका है कुछ खाने का, जो ज़मीन से उग रहा है उसको खा रहे हो आप, किसान उसको प्रोसेस कर रहा है, सब चीज़ें कर रहा है, और आप उसी का नाशुक्री कर रहे हो। और दूसरा अगर आप देखना चाहें तो किसान किस तरह की कुर्बानी कर रहे हैं, ये MSP है ना, मैं इसको समझता हूँ कि MSP भी गलत है, उनको सपोर्ट प्राइस दिया जा रहा है, ये जीने की राह है, उनकी आस है, अगर इसको भी ख़त्म, मतलब जो है ना MSP अगर ये ख़त्म हो गया तो किसान मर गया, इसके भरोसे सिर्फ वो जिंदा है। जिस समय आज़ादी हुई तो 1950 में एक बार आंकड़ा निकाला गया कि कितने परसेंट लोग हिंदुस्तान में किसानी से डिपेंडेंट हैं, तो उसमें नियर अबाउट 49-48% थे, और अभी मोर देन 55% नियर अबाउट 58% वो हैं जो किसी ना किसी तरीके से फर्स्ट या सेकंड फेज पर किसानी से डिपेंडेंट है। लेकिन इस फैक्टर के साथ अब दूसरा फैक्टर ये देखिए कि इकोनॉमिकल कंपोजिशन कितना है, किसान पहले उस समय 56% ऑफ इकोनॉमी होल्ड करते थे, और आज वो इकोनॉमी आज से 4 साल पहले 17% थी। पहले वाले लोगों ने भी सही गवर्नेंस नहीं किया, आधे से ज़्यादा आबादी जिस चीज़ से जुड़ी हुई है उसको बर्बाद करके रखा,
तो जब उनके 50-56% पर जो उनका इकोनॉमिक होल्ड था वो आके गिर के कितना हो गया, 17%। लेकिन आप अभी करंट के आंकड़े देखेंगे तो वो 11% पर आ गया। मतलब देश के आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन के पास सिर्फ और सिर्फ कितना है, देश का टोटल इकोनॉमिक का होल्डिंग सिर्फ 11% है, और बाकी लोग बेचारे मस्त ऐश कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खुद मेहनत नहीं कर रहे, सिर्फ ऐश कर रहे हैं। एक और आपको मैं पॉइंट समझाने की कोशिश करूं, लोग अगर समझ लें तो। आप बताओ कि अभी हमने प्याज टमाटर कितने रुपए से खरीदे? हमने वो प्याज टमाटर जो किसानों ने उगाए थे उसको 100-150 रुपये से खरीद लिया। वो खरीद हो के हम परेशान हुए इतने महंगे में, अच्छे से खाना नहीं खा पाए। और बेचारे बताओ, जिन किसानों का प्याज टमाटर इतना महंगा बिका उन्होंने सुसाइड कर लिए, खुदकुशी कर लिए। तो ये बताओ कि वो बेचारे उगाने वाले हैं, लेकिन इस जो प्राइस हमने पे किया, सब ने पे किया, आपने पे किया, पुलिस वालों ने पे किया, सब ने किया, उसका फ़ायदा उनको नहीं मिला। ये बीच में कौन लोग हैं, इनको पहले आप देखो ना। MSP के ज़रिए उनको उनकी चीज़ की कीमत नहीं मिल रही, उनको सिर्फ उसके लिए दे दे रहे कि लो इसके भरोसे तुम जियो। वो सिर्फ जी पा रहे हैं किसान, उससे मौज नहीं कर पा रहे, खुशी से नहीं रह पा रहे। उनको अभी भी आप यहाँ पे, हम किसान का बना हुआ अनाज शहरों में खा रहे हैं, आप देहातों में जाके देखो, उनके घर में अगर नहीं है ना तो एक टाइम की सब्ज़ी, सिर्फ वो आलू आ गए ना उनके खेत में तो 2-2, 4-4 महीने सिर्फ आलू खा रहे हैं, और अगर कोई फसल हो गई तो वो खा रहे, नहीं तो एक एक टाइम खाली पेट रह रहे। और वो किसान अनाज उगा के भूखा मर रहा है और तुम यहाँ पे ऐश कर रहे हो। तो ये जो गड़बड़ हो रही है ये कहाँ पर है? अब बताओ, उन्होंने तो बेचारे 8 आने 1 रुपये में तुम्हारे को टमाटर प्याज बेच दिए, और तुमने हमको 100 रुपये में बेच दिए। तो ये जो बीज का डिफरेंस है पर केजी पे 100 का मेट्रिक टन्स में जो इतना कमा रहे, इसका पैसा कौन खा रहा है? किसानों को अगर फ़ायदा नहीं मिल रहा उनके उगाए हुए अनाज का, तो क्या मुसीबत है ये? हर दुनिया में हर एक चीज़, जो भी चीज़ प्रोड्यूस हो रही है उसकी कीमत उसका प्रोड्यूसर डिसाइड करता है, उसका प्रोडक्शन करने पर वो डिसाइड कर रहा है ना। आप कोई फैक्ट्री डालो, आप अपने एक पेन बनाओ आप अपने कंपनी के अंदर, उस पेन पे आपको मालूम है आपकी लागत कितनी है, आप कितने रुपए मार्जिन लेकर लेंगे? किसान बेचारा अपने खून पसीना मिलाकर साल भर उसको सींच कर, खून से सींचता है वो, सिर्फ खून से, वो पानी नहीं रहता, खून रहता वो उनका, क्योंकि वो हर हाल में कर्जे ले लेकर डूब कर अपनी जान दे देकर सींच रहे हैं, और उसके बाद भी उनको उसकी कीमत वो खुद डिसाइड नहीं कर सकते। ये कौन सा न्याय है उनके साथ कि बना वो रहे हैं, सींच वो रहे हैं, पाल वो रहे हैं, सब कुछ करने के बाद भी, प्रोडक्शन करने के बाद भी उनको वो खुद कीमत तय नहीं कर सकते। MSP के ज़रिए सिर्फ उनको जीने का सहारा मिल रहा था, जीने के लिए पैसे नहीं मिल रहे थे, ऐसे उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं पा रहे थे, उसके बाद भी तुम उसको वो भी छीन दे रहे हैं। अगर वो भी छीन लेंगे तो आप जीने का सहारा छीन ले। थोड़ा सा समझने की बात है, सब लोगों की जिम्मेदारी है, मेरी अकेले की नहीं है। तो गवर्नमेंट से क्या मांगे आपकी? गवर्नमेंट से ये मांगे कि आप बस वही एक काम करो जो पहली बात है हमारी, कि अगर आप वो खा रहे हो तो उसका हक अदा करो। उन लोगों को आप अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं दे सक रहे तो कम से कम उनके जीने का सहारा मत छोड़ो, उनको आप फैसिलिटीज़ दो, जिस तरह की ज़रूरत है उस तरह का उनको फैसिलिटीज़ दो। आजकल किसानों में जो इनका एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंप्रूवमेंट हो गई हैं, बहुत सारे रिवोल्यूशन आ गए हैं। अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान दें तो हमारे देश के किसान भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट पा सकते हैं किसान इसे खेती से। लेकिन वो बेचारे अभी वहाँ पर दिल्ली जाने की हर एक की ख्वाहिश है, हर किसान की। लेकिन आज हमारे यहाँ के किसानों को खाने की दिक्कत है, हमारे महाराष्ट्र के किसान दिल्ली नहीं पहुँच पा रहे हैं ना, उसके पीछे वजह ये नहीं है कि उनके दिल में चाहत नहीं है, उनको इस बात का मसला है कि उनके पास वहाँ जाने का भी खर्चा नहीं है, उनके जेब में पैसा नहीं है, ये हाल फंसा हुआ है। वरना वो तो दिल्ली के क्या क्या हाल हो जाते आप नहीं जान सकते थे। वो तो बेचारे इस हाल में भी नहीं है कि बस आंसू हैं उनके जो दिल में बह रहे हैं। मैं हूँ तोरल और आप देख रहे थे तत्काल न्यूज़ लाइव। देखे आपने, हम थे कामटी रोड पे, जहाँ पे लोगों ने अपना आंदोलन, अपना मोर्चा, नागपुर के शहरवासियों वालों ने भी दिया है अपना समर्थन। वो चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट से काम नहीं हो पा रहा है तो जो नवयुवक है, आज के जनरेशन के नवयुवक, आगे आके अपना समर्थन देना चाहिए। किसानों की बात आती है जो कि हमारे देश के अन्नदाता है, उनके ऊपर जो बिल लादे गए हैं वो कितने प्रतिशत तक सही है, आपका इस बारे में क्या कहना है? हमारे चैनल को देखिए, उसमें कमेंट कीजिए, हमको कमेंट सेक्शन में बताइए आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपकी क्या राय है, हमारी देश की जनता जानना चाहती है।